आपने विजय दशमी का नाम सुना होगा और आजकल इसके नाम अशोक धम्म विजय दशमी भी बोलते हैं, अंबेडकर धम्म विजय दशमी भी बोलते हैं और दशहरा भी बोलते हैं। देखें कि दशहरा के कितने सारे अर्थ होते हैं, क्योंकि दशहरा जो शब्द है वो बहुत सारे शब्दों से मैच करता है और बहुत सारे शब्दों से मिलकर बना हुआ है, क्योंकि इसकी यात्रा बहुत लंबी है। 10 पारमिताएं होती हैं जो धम्म के अंदर होती हैं। पारमिताएं उनको बोलते हैं, पारमी उनको बोलते हैं जो 10 चीजें जो व्यक्ति पूरी कर लेता है, 10 पारमी वो बुद्ध बन जाता है। और जो 10 मार हैं, यानी मार का मतलब बुरी चीजें हैं, वो 10 मार अगर किसी के ऊपर आ जाएं तो वो व्यक्ति मर जाता है। और अगर वो 10 मार से दूर रहता है, 10 बुरी चीज़ों से दूर रहता है, तो वो व्यक्ति अर्हत हो जाता है, बुद्ध हो जाता है। यानी कि मारने वाली भी 10 चीज़ें हैं और बचाने वाली भी 10 चीज़ें हैं। तो 10 का बड़ा बहुत इम्पोर्टेंस या बहुत ज़्यादा इसमें रोल रहा है, बहुत ज़्यादा इसके अंदर सक्रियता रही है 10 शब्द की और 10 नंबर की। 10 आए और 10 आया, यानी जो दशहरा है वो बहुत सारे शब्दों से मैच करता है, बन के मिलता है। जैसे 10 आए है, आए का मतलब है स्वामी यानी मालिक, 10 का मालिक, और 10 आया का मतलब है 10 की मालकिन। अब ये 10 पारमिता भी हो सकती हैं और 10 मार भी हो सकती हैं। 10 अरह का मतलब है 10 के योग्य, यानी कि 10 पारमिताओं के योग्य 10 अरह, ये एक बुद्ध का नाम भी है। 10 अरी और 10 अरण, 10 अरी का मतलब है 10 शत्रु, यानी कि 10 दुश्मन। अरी जो बोलते हैं दुश्मन को बोलते हैं पाली में, और 10 अरी का मतलब है जो मार की सेना की यानी कि बुराइयों के 10 चीजें हैं उनको 10 अरी बोला है। और 10 अरण का मतलब है, अरण का मतलब होता है शांत चित्त, यानी कि 10 चीजें जो मन को शांत चित्त करती हैं, शांति में लेके आती हैं, उनको 10 अरण बोलते हैं। तो 10 अरण का मतलब हो गया यहां जो पारमिता वाली 10 चीजें हैं। 10 हर, 10 हर का मतलब है 10 को हराने वाला, यानी कि जो 10 बुराइयों को हरा दे उसको 10 हर बोलते हैं। और 10 हर का मतलब एक और भी है, हर माने होता है महादेव, यानी बड़ा वाला व्यक्ति जो सारी विनय के नियम को पालन करता हो, यानी ऐसा व्यक्ति जिसने सारे विनय के नियमों का पालन किया हो उसको बोलते हैं महादेव। और 10 महादेव का मतलब है जिसने 10 पारमिताओं का विजय प्राप्त कर ली है, यानी कि उनको हर लिया है। 10 हरण और 10 आहरण, 10 हरण का मतलब है 10 को ले जाने वाला, जो 10 को लेके जाए। अब 10 को लेके जाए का मतलब यहाँ 10 बुराइयाँ भी लेके जा सकता है, 10 मार की बुराइयाँ या 10 अच्छाइयाँ जो पारमिता है उनको लेके जाने वाला। और 10 आहरण भी बोलते हैं, आहरण का मतलब है 10 लाने वाला, यानी अच्छाइयाँ भी लेके आने वाला और 10 बुराइयाँ भी लेके आने वाला। इसका नाम 10 सिरा भी है, 10 सिरा यानी दशहरा। 10 सिरा का मतलब होता है जिसके 10 सिर हों, 10 सिर 10 पारमिताओं को भी बोला है और 10 सिर 10 बुराइयों को भी बोला है, यानी जिसके 10 बुराई हों उसको 10 सिरा भी बोलते हैं। दोनों बातें इसके लिए आती हैं। जो शब्द आता है विजयदशमी, विजयदशमी का मतलब है कि जो महिलाएं और जो पुरुष जितने साधना में बैठे हुए हैं, वो जो असयुज है, जो आश्विन का जो महीना है, उसमें जो दसवीं डेट होती है, 10वां दिन होता है, उस दिन वो अपनी बुराइयों पे सब पे विजय पा लेते हैं, इसलिए उसको विजयदशमी बोलते हैं। यानी धम्म के द्वारा, धम्म सीखने के द्वारा जो विजयदशमी है, 10वें दिन जो विजय प्राप्त किया उसको धम्म विजयदशमी करके बोलते हैं और इसका चारों तरफ बड़े खुशी से उल्लास से उत्सव मनाते हैं। इसको बोधि पाखिक भी बोलते हैं। बोधि पक्षी का मतलब है कि बोध करने का पखवाड़ा, यानी कि 15 दिन जो ये चल रहे हैं इनको बोध करने का पखवाड़ा भी बोलते हैं। और ये शब्द आता है अकाल बोधन से। अकाल बोधन का मतलब है, अकाल का मतलब पाली के अंदर होता है अकलंग। अकलंग का मतलब है व्याधि या बुराई, यानी जो आपके अंदर बुराई है उनको अकलंग बोलते हैं। और बोधन का मतलब है, बोधने का मतलब है कि उनको जानना, उनको समझना, यानी जितनी बुराई है उसको। तो इसका
उधर की साइड में यानी मगध में, बिहार में, नेपाल में इसको अकाल बोधन के नाम से बहुत जाना जाता है। इस फेस्टिवल का नाम अकाल बोधन पड़ा हुआ है, जो पाली के नाम से बिल्कुल लिया गया है, या पाली ही उसका नाम है। उसी साइड में इसको पारमिता बोरा भी बोलते हैं। पारमिता बोरा का मतलब है कि पारमिता का बोध करने वाले, यानी जो पारमिता बोध करते हैं इसको पारमिता बोधा भी बोलते हैं। और अब इसका नाम जो है वो अशोक विजय धम्म दशमी है, क्योंकि अशोक ने इसी दिन 84,000 स्तूपों का उद्घाटन किया, इसी दिन उसने धम्म को चारों तरफ फैलाया और धम्म को दोबारा से पवित्रित किया, इसलिए इसको अशोक धम्म विजय दशमी बोलते हैं। और आज के दिन में इसको डॉक्टर अम्बेडकर धम्म विजय दशमी भी बोलते हैं, यानी कि जो डॉक्टर अम्बेडकर ने 1956 में दशहरे वाले दिन जो नागपुर के अंदर जो धम्म का पताका भारत में दोबारा से फैलाया और जो 10 लाख लोगों को धम्म दिखा दी, इसलिए इसका जो, क्योंकि समय समय पे तब से लेके अब तक इसको लगातार बीच में ही जाता रहता है, आता रहता है, जाता रहता है, आता रहता है, तो लेटेस्ट जो है वो 1956 में जो 63वां है, यानी कि 63 साल इसको हो चुके हैं अब ऐसा आता है। ये जो दशहरा है बेसिकली 10 जो बुराई है हमारी, यानी मार, काम वासना, ऐरति, भूख प्यास, तणहा यानी तृष्णा, आलस, भय, कुशंका, गर्व अभिमान या घमंड, लाभ प्रसिद्धि या सत्कार, बुरे मार्गों से प्राप्त यश, आत्म प्रशंसा और पर निंदा। ये जो बुरी, जो बुराई हैं 10, इन बुराइयों को खत्म करने, उन पर विजय पाने का ये फेस्टिवल है, जो विपसना के थ्रू सारे लोग बहुत मेहनत करके लगातार 8-9-10 दिन में ऐसा करते हैं, खासतौर से महिलाएं और खासतौर से जो नारियां हैं। ये जो फेस्टिवल है 10 पारमिताओं को आगे बढ़ाने का, उनको मजबूत करने का भी है। 10 पारमिता यानी 10 पारमी, 10 अच्छी बातें हमारी जो हैं वो बहुत ही अच्छी हैं, जिसमें सील है यानी जो अच्छी बातें करने का जो चलन होता है सील है, इसमें दान है, इसमें प्रज्ञा है, इसमें सच है, इसमें उपेक्षा है, इसमें सामर्थ्य काम करने की जिसको वीर्य बोलते हैं, इसमें शांति है, अधिष्ठान है और इसमें मैत्रता है, यानी ये 10 जो पॉजिटिव गुण हैं इनको बढ़ाने का फेस्टिवल है। तो 10 विजय हम प्राप्त कर लेते हैं बुराइयों पे और 10 ये गुण हमारे अंदर आ जाते हैं, इसलिए ये गुण बढ़ने पे भी विजय दशमी मनाई जाती है 10 के नाम से 10वें दिन में है। इसका समय बिल्कुल निर्धारित है, जैसे वसावास खत्म होने से 5 दिन पहले ये मनाया जाता है, यानी 5 दिन बाद वसावास खत्म हो जाएगा और भिक्खु अपने अपने प्रैक्टिस करने के बाद में अपनी तैयारी में लग जाएंगे दशहरे पे। दशहरे पे वो अपना ज्ञान का जितना उन्होंने सीखा है उसका एक टेस्ट भी करते हैं, उसको चेक भी करते हैं और वहाँ सिखाते भी हैं। गुरु लोग देखते हैं, जो टीचर हैं वो देखते हैं, जो शास्त्रा हैं वो देखते हैं, जो सत्ता हैं वो देखते हैं कि जो हमने सिखाया है वो ठीक पढ़ा रहे हैं या नहीं पढ़ा रहे हैं, इसलिए वो अपने जितनी भी नॉलेज है, इन्फॉर्मेशन है, एजुकेशन है, उसकी प्रैक्टिस कर लेते हैं। ये उनकी प्रैक्टिस का भी दिन है, यहाँ वो अपने ज्ञान पर आगे बढ़ के उस पर विजय प्राप्त करते हैं और उसको आगे बढ़ाते हैं। ये भारत का सबसे बड़ा उत्सव है, ये नेपाल में बहुत धूमधाम से मनाया जाता है, ये जितने भी पर्वतीय क्षेत्र हैं उन सब में, भूटान के अंदर या पश्चिम बंगाल या त्रिपुरा, मणिपुर, सारे के सारे प्रदेशों में ये सबसे बेहतरीन तरीके से मनाया जाता है। और ये भारत का 10 दिन का 8 दिन का सबसे बड़ा उत्सव होता है, क्योंकि यहाँ सब लोग साधना में लीन होते हैं और अब आगे बुवाई का समय आ रहा है, आगे गेहूँ बोना है, आगे धान काटना है, आगे जौ बोना है, सरसों बोनी है, तो इसलिए ये उत्सव का समय होता है, क्योंकि भारत कृषि प्रधान एक देश रहा है और कृषि प्रधान देश में समय की बहुत वैल्यू है और फसलों की उत्सव बहुत ज़्यादा होते हैं। बहुत सारी बातें दशहरे के बाद में जुड़ गई, जैसे दशहरे के बारे में कहने लगे कि इसमें हथियारों की पूजा होती है। भारत के अंदर हथियार नहीं होते थे और अशोक ने कभी अपने हथियार नहीं रखे, उन्होंने ये निर्णय लिया कि अब मैं भारत में अपने लोगों के लिए कभी भी हथियार नहीं उठाऊंगा और भारत के बाहर जो मेरी बाउंड्री हैं, सीमा हैं, जो रेखाएं देश की सीमा हैं, उसमें अगर कोई दुश्मन घुसेगा या उसमें अतिक्रमण करेगा तो मेरे हथियार उठेगा और उसको मारा जाएगा। इसलिए सेनाएं पूरी सीमा पर तैनात रहती थी। सम्राट अशोक ने कभी भी अपनी सेनाएं विड्रॉ नहीं की, यानी बॉर्डर से अपनी सेना नहीं हटाई, ना ही अपनी सेनाओं को ये आदेश दिया कि आप हथियार रख दें। सम्राट अशोक ने स्पष्ट रूप से हथियार अपने देशवासियों के खिलाफ जो उठाए थे कलिंग युद्ध में, उसमें मना कर दिया कि अब मैं अपने देशवासियों को कभी भी नहीं मारूंगा, ये मेरे देश के लोग हैं,
अगर मैं इनको मारता हूं तो मैं फिर राजा नहीं देशद्रोही हूं, यानी जो देश के लोगों को मरवाएगा वो देशद्रोही होगा, और जो देश की सीमा पे दुश्मन को मारेगा वो देश प्रेमी राजा होता है। ऐसा सम्राट अशोक ने निर्णय लिया, ऐसा अधिष्ठान किया, इसलिए इसको अशोक धम्म विजय दशमी भी बोला जाता है। एक किंवदंती कहें या बीच में कहानियां बनी कि ऐसा भी कहते हैं कि सम्राट अशोक के जो वंशज थे, 10 राजा थे जो मौर्य शासन के राजा थे, उनको मारा गया, उनके मारने की खुशी में ये उत्सव मानने वालों ने मनाया। ऐसा हो भी सकता है, ऐसा नहीं भी हो सकता है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं। जैसे महिषासुर है, महिषासुर जो राजा थे वो नागवंशी थे, उनके हाथ में नाग मिलता है, यानी नाग यहाँ के लोग थे तो नाग चिन्ह दिखाया गया है, जो सब पे उसको नाग बाद में कहने लगे, तो वो नागवंशी राजा हैं, काले हैं, कहते हैं उनको उस दिन मारा गया। तो दशहरे वाले दिन बहुत सारे, विजयदशमी वाले दिन, क्योंकि बड़ा फेस्टिवल होता है तो बहुत सारे लोग अच्छे काम भी करते हैं, खराब काम भी करते हैं, उसकी आड़ में कुछ काम लोग करते हैं जो दूसरों के लिए खराब होते हैं, और कुछ लोग काम करते हैं जो सबके लिए अच्छे होते हैं। जो धार्मिक लोग हैं वो हमेशा वो काम करते हैं जो सबके लिए अच्छे होते हैं, और जो अधार्मिक लोग होते हैं, जो धर्म को नहीं मानते, जो देश को नहीं मानते, वो हमेशा वो काम करते हैं जो देशद्रोही होता है और देश के लोगों के खिलाफ में जाता है। इसलिए ये बातें जो चलती हैं कि दशहरा इसलिए मनाते हैं, दशहरा उसलिए मनाते हैं, हो भी सकती हैं, ठीक भी हों, क्योंकि दशहरे जैसे फेस्टिवल या फेस्टिवलों पे, जितने भी फेस्टिवल या उत्सव होते हैं, लोग अपनी दुश्मनियाँ भी निकालते हैं। चूँकि दशहरा भारत का बहुत प्रमुख फेस्टिवल है, विजयदशमी है, और कहीं पाली भाषा में कोई भी शब्द ऐसा नहीं है जो शस्त्र पूजा में आता हो। पाली भाषा में उसको आवुध बोलते हैं, आवुध का ही बाद में आयुध बना। पाली भाषा में जो सत्ता है, उसका सत्ता का मतलब होता है जो पढ़ाने वाला टीचर होता है, जो उपदेशक देता है, तो सत्ता हो सकता है सत्तू से बना हुआ है, जो हम कहते हैं ना शास्ता है, उसको सत्ता करके बोलते हैं। इसलिए जो आयुध है या जो आवुध शब्द है वो पाली भाषा के अंदर, क्योंकि बहुत पुराने समय में भारत में हथियार भी नहीं होते थे, यहाँ बहुत ज़्यादा खाना पानी पीना होता था। ये फेस्टिवल बहुत रोचक है, बहुत बढ़िया है, जितने भी धार्मिक लोग हैं इसको खूब धूमधाम से मनाना चाहिए, क्योंकि ये धर्म का सबसे बड़ा फेस्टिवल है, धर्म का सबसे बड़ा उत्सव है। भारत के बुद्ध की धर्म का, अशोक के धर्म का, डॉक्टर अम्बेडकर के धर्म का, ज्योतिबा फुले के धर्म का, कबीर के धर्म का, ये सबसे बड़ा फेस्टिवल उत्सव है। धन्यवाद।